हेलो स्टूडेंट्स, SVN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट और अपन पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री। उसमें अपन ने जो सॉलिड स्टेट है उसको लगभग पढ़ चुके हैं। ये अंतिम चरण में है, मतलब ये चैप्टर। इसमें अपन आज डिस्कस करेंगे विद्युतीय गुणधर्मों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, मतलब जो विद्युत धारा है वो उसमें प्रवाहित होगी या नहीं होगी, इसके आधार पर अपन ठोस जो पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो जो ठोस पदार्थ हैं इसके आधार पर आप सारे जानते हो तीन तरह के होते हैं, चालक, फिर अर्धचालक और कुचालक। चालक, अर्धचालक और कुचालक, देखो नॉर्मल तो डेफिनेशन ऐसी होती है भाई, चालक चालक किन पदार्थों को बोलते हो, कंडक्टर, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए या जिसमें आवेश जो है ना वो प्रवाहित हो जाए। अगर आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो विद्युत धारा का चालन हो जाएगा, अगर चालन हो गया तो वो पदार्थ चालक होंगे। कुचालक कौन से होंगे, जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, चाहे आप उसको गर्म करो, ठंडा करो, दाब लगाओ, कुछ भी लगाओ, चालन होगा ही नहीं, है ना, वो कुचालक होंगे। विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, आवेश उसमें चलेगा ही नहीं। और अर्धचालक कौन से होंगे, अर्धधारा ना, अर्धचालक मतलब कभी चालक जैसे व्यवहार करेंगे और कभी कुचालक जैसे। अब ऐसे नहीं है भाई अपनी मर्जी में आ गए इनके, आज चालक जैसे तो आज चालक जैसे करेंगे, है ना, फिर दूसरे दिन कुचालक जैसे, ऐसे नहीं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो अर्धचालक पदार्थ है उनको चालक जैसा बिहेव कराने के लिए अपन क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाते ही वो अर्धचालक है, वो चालक जैसा व्यवहार करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो जो अर्धचालक है वो कैसा व्यवहार करेगा, चालक के समान व्यवहार करेगा। और जो अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे या टेम्परेचर को कम कर देंगे, तब ये जो पदार्थ हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, बता देता हूँ, वो होंगे अर्धचालक। मैं आपको बताऊँगा कैसे अर्धचालक होते हैं, है ना, तो ये तब अर्धचालक होंगे या कुचालक होंगे, एक तरह से कुचालक, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कुचालक होंगे। अब इस ताप में ऐसे क्या है कि भाई अर्धचालक था वो चालक बन गया, टेम्परेचर अपन ने कम रखा तो फिर वो कुचालक ही रह गया, ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर, देखना भी आपको पता चलेगा। और अगर उल्टा अगर चालक का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना अपन, तो वो कुचालक बन जाता है, है ना, रिस्क में टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, वो कुचालक का कुचालक ही रहेगा। अब ताप में ऐसे क्या जादू है, देखना इधर, आप अभी तक आपने सबका ऐसे पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो एटम होगा उसमें एक न्यूक्लियस होगा, तो मान लो ये अपने ये न्यूक्लियस है, फिर उसके बाहर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऐसे, है ना, बाहर वाले कोषों में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके बाद में प्रथम सेल, सेकंड सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, जितने भी उसमें सेल होंगे या जितने भी उसमें ऊर्जा स्तर होंगे, उतने उतने क्या होंगे उसके अंदर, उतने उतने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब यहाँ तक जो बाह्यतम जो सेल होगा सबका अलग अलग होगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम में बाह्यतम कोष कितने होंगे, दो ही होंगे, मतलब दो ही कोष होंगे, होने को तो और भी होते हैं पर अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे में होगा, उसके बाद में तीसरे में होता है सोडियम में, लिथियम में दूसरे में, फिर जैसे जैसे अपन ऐसे जाएंगे ना, ऐसे एक ही वर्ग के अंदर, जैसे हाइड्रोजन तो बाह्यतम कोष एक ही हो जाएगा इसका, एक ही कोष है इसमें बाह्यतम और अंदर वाला, ये सब एक ही है। फिर जैसे लिथियम में गए तो दो कोष होंगे तो बाह्यतम कोष दूसरा होगा, फिर सोडियम में तीसरा होगा, फिर पोटेशियम में चौथा, कुल मिला के जितना उसका पीरियड नंबर होता है ना उतने ही उसके कोष होते हैं, समझ गए कि मतलब, ऐसे पहले आवर्त में है तो एक ही होगा इसका, दूसरे आवर्त में अगर कोई तत्व होगा तो उसका जो बाह्यतम कोष है वो दो होगा, अगर सातवें आवर्त में होगा तो सात होगा, सात हो उसका बाह्यतम कोष होगा, मतलब पहले कोष में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे, चौथे में होंगे, पाँचवें में होंगे, छठे में होंगे और सातवें में भी होंगे, है ना, सात से ज़्यादा अब तक की आवर्त सारणी के हिसाब से सात से ज़्यादा कोष नहीं है, कोई आठवां कोष नहीं है, समझ गए कि मेरी बात। फिर भी अपन अनंत बोलते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन को हटाए तो अनंत तक महोत्ते तो हैं अनंत तक, पर अब तक के जो आवर्षारणी है उसमें 118 तत्व हैं, तो 118वें तत्व का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वो सातवें कोष तक कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को, आठवें में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सातवें तक हो गए। अब कोष वोष का ज़्यादा नहीं है, ये तो बस आपको ऐसे बेसिक बता दिया मैंने, कैसे अंदर तो न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। जो बाह्यतम कोष है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तो बाह्यतम कोष कह दिया, इसके अलावा इसको संयोजी कोष भी बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाला कोष है उसको
संयोजी कोष भी बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। तो जो बाह्यतम कोष है उसी का नाम है संयोजी कोष, ठीक है। अब ये जो संयोजी कोष है उसके अलावा एक और कोष होता है सब में बार, है ना, उसको बोलते हैं चालन कोष, चालन कोष। और ये जो पूरी थ्योरी है ना चालक अर्धचालक कुचालक की, बस ये इन दो के बीच में है, इनसे कोई मतलब नहीं है अपने को। संयोजी कोष और चालन कोष, इन दोनों का कैसे बिखराव है इसके हिसाब से ही चालक चालक ही रहते हैं, कुचालक कुचालक ही रहते हैं, अर्धचालक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो सबसे जो बाह्यतम कोष है वो कौन सा होगा, संयोजी कोष, और उसके जो बाहर होगा संयोजी कोष के भी जो बाहर होगा उसको बोलते हैं चालन कोष। अब एक एटम के लिए पढ़ते हैं, अपन एक ही एटम पढ़ा, जैसे सोडियम हीलियम कोई सा भी एक एटम पढ़ा, तब तो क्या होगा, जो बाह्यतम कोष संयोजी कोष और जो इसके बाहर एक और कोष होगा उसको चालन कोष मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने एक मोल के लिए पढ़ा, ठीक है, जैसे मान लो आपने सोडियम ही ले लिया, अब सोडियम में भी अगर एक मोल 23 ग्राम सोडियम भी लोगे तो एक मोल एटम हो जाएंगे 23 ग्राम में भी। उसके मॉलिक्यूलर वेट में जो अणुओं की संख्या होगी समान मॉलिक्यूलर वेट में, वो अणुओं की संख्या कितनी होती है, एक मोल के बराबर होती है ना। तो एक मोल होंगे इसके अंदर, 23 ग्राम में कितने मोल होंगे, एक मोल, एक मोल में 6×10^23 परमाणु होंगे, तो 23 ग्राम इतना सही होता होगा। अगर इतने से में भी 6×10^23 होंगे, तो अब भी जब अपन अकेले एटम के लिए पढ़ेंगे तब तो इसको बोलेंगे बाह्यतम कोष को संयोजी कोष, और इसके भी जो बाहर वाला उसको चालन कोष बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपन एक मोल के लिए पढ़े या ज्यादा के लिए, एक मोल से ज्यादा के लिए पढ़े, खूब सारे परमाणुओं के लिए पढ़े, तब क्या बोलेंगे, ये जो चालन कोष है इसका नाम हो जाएगा चालन बैंड, चालन बैंड। और जो संयोजी कोष है इसी का नाम हो जाएगा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। इसका ऐसे हो तो होता क्यों है, जैसे ये एक 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 ही था अपने पास में, इसको मैं छोटा बनाता हूं, देखना इधर, ये नाभिक था और इसके बाहर में यही ले लिया मैंने डायरेक्ट, मतलब ये बाह्यतम कोष ले लिया, बीच वाले मैंने हटा दिया डायरेक्टली। अब कोई दूसरा ले होगे तो ये बाह्यतम आएगा, फिर कोई तीसरा ले होगे तो ये बाह्यतम आएगा, ऐसे ऐसे आएंगे ना, फिर मान लो कोई चौथा ले होगे ऐसे लेंगे। अब ये जो बाह्यतम बाह्यतम कोष वाले ना, ये वाले, या मान लो ये वाले जो बाह्यतम कोष जो संयोजी कोष है, वो उनकी खूब सारे के ऐसे एक साथ मिले हुए रहेंगे ऐसे। अब ये तो चार में इतना गड़मपड़म हो गई मामला, अगर मान लो 6×10^23 परमाणु रखो आप, और एक परमाणु की साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती, इतना इतना भी बड़ा नहीं होता है जो आपको दिख जाए, मतलब, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, अगर 6×10^23 परमाणु होंगे एक ही जगह पर, तो एक ही जगह पर 6×10^23 परमाणु होंगे, तो ये जो कोष है जो अपने को एक लाइन दिखती है, वो आपको ऐसे 6×10^23 लाइन दिखेंगे ऐसे पास पास में, ऐसे ऐसे पास पास में 6×10^23, अगर एक मोल भी देखेंगे तो, अगर ये 6×10^23 ऐसे पास पास दिखेंगे तो ये कोष नहीं कि वो कि क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा, समझे मेरी बात को, इतनी सी। तो छोटी सी बात है कि जब बाह्यतम कोष है उसको संयोजी कोष बोलेंगे, और जो संयोजी कोष है उसके अंदर जो उसके भी जो बाहर वाला कोष है उसको चालन कोष बोलेंगे। अब ये तो एक एटम के लिए पढ़ा है आपने आज तक, 11th में भी सबने एक एटम के लिए पढ़ा, अब तक जो भी पढ़ा वो एक एटम के लिए पढ़ा। अगर अपन एक मोल के लिए एक साथ देखें तो जो संयोजी कोष है वो क्या हो जाएगा, चालन संयोजी बैंड हो जाएगा, और चालन कोष क्या हो जाएगा, चालन बैंड हो जाएगा। अब बस अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो आगे कुछ ही नहीं है। इसके अंदर ये कहाँ पे स्थित होंगे, इसके आधार पर अपने को ऐसे पता चल जाएगा कि भाई चालन चालन ही क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि भाई ये भी दुधारा का चालन कर देते हैं और कुचालक भी दुधारा का प्रभाव क्यों नहीं कर पाते, है ना। तो ये जो चालक पदार्थ है इसका यहाँ देखेंगे और इसका देखेंगे कुचालक का, दोनों का एक साथ देखेंगे अर्धचालक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो जो चालक पदार्थ है उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये नाभिक और उसके बाद में डायरेक्ट अपन मान लेते हैं इसको संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और ये जो हो गया उसको बोल देते हैं अपन कौन सा, चालन बैंड, चालन बैंड। अब ऐसे तो आपको समझा ही दिया मैंने कि ये संयोजी बैंड नाम कहां से है, चालन बैंड नाम कहां से है, ये दो चीजें तो पता चली गई। अब इन दोनों के अंदर जो अंतराल होगा उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको क्या बोलोगे, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। ये है ना आपके फिजिक्स में भी आएगा, अगर आप यहां समझ लोगे एक तो फिजिक्स में ज्यादा जोर नहीं आएगा, तो वो एक बार बताएंगे तुरंत ही समझ में आ जाएगा,
है ना। तो इसके दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा। अब ये ऊर्जा अंतराल देखो कहाँ से टपक गया, बीच में। जब भी कोई कोश होगा, जैसे मान लो ये पहला कोश है, फिर ये दूसरा कोश है, तो सबकी ऊर्जा होती है कुछ ना कुछ। जो प्रथम कोश है उसकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर जो दूसरा कोश है उसकी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल हो गया आगे, इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल, तो ये 10.2 आएगा। तो इसी प्रकार से तीसरा होगा उसकी 1.51 होगी, है ना। फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे, कम होती जाएगी, लास्ट अनंत वाले पे जीरो होगी। तो सबसे कम ऊर्जा होनी है पहली में होती है, फिर लास्ट में जीरो वाली होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो माइनस का है ना। तो ये दो चीज़ें होगी। तो इनमें भी जो संयोजी बैंड है वो, और जो चालन बैंड है वो, उन दोनों में कुछ ना कुछ ऊर्जा अंतराल तो होगा ही। मान लो इसके थोड़ा कम है फिर ज्यादा होगा, बाहर जाएंगे तो और ज्यादा ऊर्जा अंतराल होगा। तो दोनों का अंतर उसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है मान लो यहाँ घूमते हैं संयोजी कोश में, जो बाह्यतम कोश के हैं वो वाले, और जो चालक पदार्थ हैं उसमें ये संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहते हैं। ओवरलैप किए हुए का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है, दोनों एक दूसरे को ऊपर ऐसे रहेंगे, समझ गए कि मेरी बात को, ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। मतलब संयोजी बैंड और जो चालन बैंड है एक दूसरे को ओवरलैप करने का मतलब एक दूसरे को ढके हुए रखे रहेंगे, एक दोनों के बीच में ज्यादा ऊर्जा अंतराल नहीं होता है, एक दूसरे को ऊपर ही रहेंगे। जैसे मान लो अब ये विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना, वो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आए, तब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगर संयोजी बैंड में रहेंगे तब भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह इसलिए नहीं होता है कि नाभिक से संयोजी बैंड में जब तक रहेंगे तब तक सारे इलेक्ट्रॉन हर कोश के नाभिक से बंधे हुए रहते हैं ना, नाभिक से जब तक वो बंधे हुए रहेंगे तो नाभिक से विद्युत धारा का चालन कैसे करेंगे। विद्युत धारा का चालन तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फिर वो चलेंगे दूसरी ऐसे घूमेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वो चलेंगे तार में, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। आवेशों का प्रवाह तो विद्युत धारा है ना, तो आवेशों का प्रवाह ही नहीं होगा वो, अगर वो चलेंगे ही नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और चलेंगे कब, जब वो फ्री होंगे। जैसे आपको मान लो ऐसे बांध दिया जाए सबको कुर्सी पे, फिर कहा चलो कैसे चलोगे, तो विद्युत धारा का चाल, अगर आप मान लो कोई चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, तो नहीं चल पाए होंगे एक, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो मुक्त अवस्था में होगे तभी विद्युत धारा का चालन होगा, ठीक है। तो ये सारे चार्ज कैरियर हैं, चार्ज कैरियर का मतलब आवेशों का वाहक। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर हो गया, तो आवेश वाहक हो गए। तो इलेक्ट्रॉन जब तक ये संयोजी कोश में, तब तक नाभिक से डायरेक्ट बंधे हुए हैं, नाभिक इनको अट्रैक्ट करके रखता है। जब ये चालन कोश में जाते हैं ना, तब ये मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, तभी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। अब जो चालक पदार्थ है उसमें क्या होता है, जो संयोजी बैंड है, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये वाला को बैंड जो है वो संयोजी बैंड है, यहां कर लेते हैं अपन, ये वाला संयोजी बैंड है, और जो ये वाला बैंड है वो मान लो चालन बैंड है, चालन बैंड। अब जो चालक पदार्थ हैं उनमें ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहेंगे, या तो ये, या फिर इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है, समझ गए। तो इसके में जो ऊर्जा अंतराल है वो या तो बहुत कम होगा, या फिर एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप किए हुए रहेंगे, ऐसे ये यहाँ तक और ये यहाँ तक ऐसे। तो आप दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज यूज में ले सकते हो, या तो आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहते हैं, ओवरलैप का हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन करना, तो एक दूसरे को अतिव्यापित किए हुए रहते हैं। या फिर आप ऐसे बोल दो कि इनमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना वो बहुत कम होता है, समझ गए मेरी बात को। तो अगर मान लो ये जो चालन बैंड है वो, और जो संयोजी बैंड है वो, एक दूसरे को मतलब वो कर रखे हैं इन्होंने दोनों ने, ओवरलैप कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में है वही चालन बैंड में भी है कि नहीं है। मान लो ये यहाँ तक आ गया, नीचे वाला ये वाला चालन बैंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। तो जो चालन बैंड में जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाले, वो इस चालन बैंड के अंदर भी है, ऐसे ऐसे हो गया ओवरलैप का मतलब। तो जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो चालन बैंड में भी होगा, या जो चालन बैंड में होगा वो संयोजी बैंड में भी होगा। या फिर दूसरा ऐसे थोड़ा सा अंतराल से देख लो कि भाई इन दोनों के अंतर है ना, अंतराल बहुत कम है, इतना सही है। तो अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है कि नहीं जाता है, या टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है उसको ऊर्जा देना। ऊर्जा है ना वो होती है E=3/2 kT, ये जो थर्मल एनर्जी है उसका सूत्र होता है। तो सूत्र से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो एनर्जी से मतलब है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ेगी,
बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जो तापीय ऊर्जा वो बढ़ेगी, बस इतना सा मतलब है आपको। ये सूत्र याद हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, हालांकि ये सूत्र फिजिक्स में है तो आपको याद तो करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही आप ताप बढ़ा रहे हो, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप उस पदार्थ की ऊर्जा बढ़ा रहे हो, बस इतना सही है। अगर आप इसकी ताप बढ़ाओगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, तो अगर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी और जहाँ पे ये सो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू हो जाएंगे, चालन बैंड में जाना शुरू हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? अगर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक तरह से चालन बैंड में जाने का ये मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, नाभिक से बंधे हुए नहीं है, तो आप बैटरी से जोड़ोगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चलेंगे। अगर चलेंगे तो प्रवाह को ही तो विद्युत धारा बोलते हैं, अगर आवेश चल गया तो विद्युत धारा हो गई, समझ गए। तो ये तो होता है चालन के अंदर, कुचालक जो है उसमें उल्टी उल्टा है थोड़ा सा सिस्टम, उल्टा नहीं है मतलब थोड़ा सा इसके थोड़ा सा अलग है, बस इसमें भी ऐसे ही रहेगा ये चालन बैंड, चालन बैंड, और इसके अंदर भी ऐसे ही क्या रहेगा, संयोजी बैंड रहेगा, संयोजी बैंड रहेगा, इसके अंदर भी ऐसे के ऐसे ही क्या रहेगा, संयोजी बैंड रहेगा, ये चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। अब दोनों के अंदर जो डेल्टा ई है ना, या जो डेल्टा ई जी से डिनोट करते हैं इसको, है ना, तो या फिर इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कह दो आप तो हिंदी में, तो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ना वो खूब ज्यादा होता है, समझ गए मेरी बात को। यहां से आप कितनी भी एनर्जी दो उसको, इस एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितनी भी एनर्जी देने से इसमें नहीं जाएगा, समझ गए मेरी बात को। जैसे थान कत्ती एनर्जी दे दो, थाने एक दे 100 मास लेना केमिस्ट्री में, हाथ उपन कर दे कोना कोना, है ना। तो ये ऐसे होता है, संयोजी बैंड से चालन बैंड, संयोजी बैंड से चालन बैंड में कितनी भी ऊर्जा बढ़ा दो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं चालन बैंड में, अगर जाएगा नहीं तो मुक्त अवस्था में रहेगा ही नहीं। अब उसमें बैटरी जोड़ो चाहे कोई दूसरा सोर्स जोड़ दो, अगर वो इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी, तो कुछ अलग हो जाएगा, इतनी सी बात है बस, समझे क्या मेरी बात को। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको, संयोजी कोष क्या होता है, बाह्यतम कोष जो है उसी को संयोजी कोष बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या बताया, चालन कोष क्या होता है, संयोजी कोष के बाहर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उनको चालन कोष बोलते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बाद में कि जो चालक पदार्थ हैं उनमें या तो जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है, तो बिना टेम्परेचर दिए ही एक चालन कोष में चले जाएंगे, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहते हैं। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए मतलब अतिव्यापित कर रखे हैं, एक दूसरे को ढक रखे हैं, वो उसमें है वो भी उसमें, मतलब संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन कोष में भी है, और जो चालन कोष में इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी कोष में भी, तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही मुक्त अवस्था में तो विद्युत धारा तुरंत ही प्रवाह होगा, या फिर बिना ऊर्जा दिए ही है ना, बिना ताप बढ़ाए ये चालन कोष में चले जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि मुक्त अवस्था में जाएंगे। और दूसरा अपन ने इधर पढ़ा कुचालक, कुचालक में जो संयोजी बैंड है वो और जो चालन बैंड है वो दोनों में इतना वर्जित ऊर्जा अंतराल है कि आप कितनी एनर्जी दे दो उसको, उसके बाद भी संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में नहीं जाएंगे, चालन बैंड में नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो वो मुक्त अवस्था में नहीं आ पाएंगे, अगर मुक्त अवस्था में नहीं आएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, चाहे बैटरी से जोड़ दो भी तार ना, चाहे कहां से और सही जोड़ दो, है ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये तो हुआ चालक और ये कुचालक। अब अर्धचालक है, आप सब तय समझ जाओगे। अर्धचालक जो पदार्थ है उसमें देखो ताप बढ़ाओगे तब तो चालक, अगर ताप नहीं बढ़ाओगे तब कुचालक। अब आप समझ गए होंगे पूरा खेल किसका है, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का है, इसी का तो पूरा खेल है। अगर इसमें बहुत ज्यादा होता है तो चालक वाले भी कुचालक होते है ना। अब इसमें जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, जो संयोजी बैंड है वो और जो चालन बैंड है वो, उन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो जो चालक पदार्थ है उनसे तो क्या होता है ज्यादा, मतलब बिना टेम्परेचर दिए ये चालन कोष में जाएंगे नहीं इलेक्ट्रॉन, और जो कुचालक पदार्थ हैं उनसे ये वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, कि ऐसे भी नहीं है कि भाई कितना भी ताप दे दो उनको है ना और चालन कोष में इलेक्ट्रॉन जाए ही नहीं। अब आप समझ गए होंगे, इतनी सी बात बताई है मैंने आपको कि जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है वो ताप देंगे तब तो जाएगा वर्जित इसके अंदर, इस ऊर्जा अंतराल को पार करके और चालन कोष में चले जाएंगे। अगर ये चालन कोष में चले गए इलेक्ट्रॉन एक बार तो फिर वो विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। अब जो तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देंगे तो चालन कोष में चला जाएगा, तो चालक जैसे व्यवहार करेंगे। अगर ताप नहीं बढ़ाया, समझ रहे हो, अगर ताप नहीं बढ़ाओगे इस पदार्थ का तो ताप नहीं बढ़ाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें जाएंगे नहीं, बिना ताप दिए नहीं जाएंगे।
अगर बिना ताप दिए या बिना ऊर्जा बढ़ाए इस चालन कोष में नहीं जाएंगे तब क्या रहेंगे, वो कुचालक रहेंगे, क्योंकि जब तक ये संयोजी कोष में है तब तक क्या है, बंधे हुए हैं नाभिक से, बंधे हुए हैं, तो बंद अवस्था में क्या रहेंगे, वो विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दूसरी बात, कुचालक पदार्थ बिना ताप दिए किस में होंगे, कुचालक होंगे, और थोड़ा सा ताप बढ़ाते क्या हो जाएंगे, चालक बन जाएंगे। तो अर्धचालक इसीलिए नाम है, कभी चालक है और कभी कुचालक है, है ना, इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, ताप बढ़ाएंगे तब तो चालक, नहीं बढ़ाएंगे तब कुचालक। तो इन दो वजहों से कि कभी चालक और कभी कुचालक, इसलिए इसका नाम क्या कह दिया इन्होंने, कुचालक अर्धचालक कह दिया। अब देखो इसमें चालक पदार्थ है, उसमें अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो फिर विद्युत धारा का कम प्रवाह होने लग जाता है, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण यह है सिंपल सा, इसमें पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बिना ताप बढ़ाए ही एक जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन चालन कोष के अंदर भी रहते हैं। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो और इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या होगी, टक्कर। जब भी आप उसको बैटरी से जोड़ोगे तो भीड़ भाड़ वाली जगह हो जाएगी एक तरह से, अगर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होगी तो इलेक्ट्रॉन चलने की कोशिश करेंगे, जैसे चलेंगे तो आपस में टकराएंगे, टकरा टकरा के वो वहीं रुकेंगे, तो एक तरह से उसकी चालकता कम हो जाएगी। अगर चालक पदार्थों का ताप बढ़ा दिया ना तो उसकी विद्युत धारा का जो प्रवाह होने की दर कह दो या जो चालकता का जो गुण है वो कम हो जाएगा, और कम होने का क्या कारण है कि जो संयोजी कोष है उसके इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, चालन कोष के अंदर, या जो संयोजी बैंड है उसके इलेक्ट्रॉन चालन कोष में और ज्यादा चले जाएंगे। अगर और ज्यादा चले गए तब क्या हो जाएगा, ये एक तरह से ज्यादा आपस में इलेक्ट्रॉन टकराने लग जाएंगे तो वो वहीं रुकने लग जाएंगे। इसको आप सिंपल फॉर्मूले से ऐसे देखो, मान लो एक रूम है, उसका स्पेस कितना है, 20 बच्चे बैठने का है, आपने उसमें 5 बच्चे छोड़ दिए, वो 5 बच्चे आराम से इधर उधर घूम भी सकते हैं, 20 बच्चे बैठने की जगह है मान लो उस रूम के अंदर, वो 5 बच्चों को छोड़ दिया, आराम से दौड़ सकते हैं उसमें। अब उसी रूम में आप क्या कर दो, 20 बच्चे बैठने की जगह बस, अब आपने ताप देख करके एक तरह से एनर्जी देख करके उसमें कितने बच्चे बिठा दिए, है ना, दम खादम खूर भी मान 50 बिठा दिए ऐसे मानो, और उनको कहा जाए कि भाई अब तुम दौड़ो, वो दौड़ पाएंगे कि 50 बच्चे वो आपस में टकरा टकरा मुंड माथो फिर रहे फिर डाले बस, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं होगा, है ना। तो ये वाली कहानी होती है चालकों में, मतलब आपने उनको एनर्जी दे करके पहले से चालन जितना हो सकता था उतने इलेक्ट्रॉन पर्याप्त थे उसमें चालन को उसमें, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एनर्जी दी कि इसमें और इलेक्ट्रॉन चले गए, और इलेक्ट्रॉन इतनी भीड़ भाड़ जगह कंजेस्टेड एरिया हो गया, एक तरह से जो चालक का टुकड़ा है उसमें कंजेस्टेड एरिया हो गया, मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ गए कि उसके बाद में जब उस विद्युत बैटरी से उस तार को जोड़ोगे तो वो जब चलने की कोशिश तो करेंगे पर वो आपस में ही टकराएंगे, तो आपस में टकराएंगे तो वहीं रुकेंगे, है ना। तो वो बच्चे वाले एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि चालक जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो चालकों में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालनता का गुण क्या हो जाएगा, कम। अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकता का गुण बढ़ जाएगा या विद्युत धारा ज्यादा प्रभावित होगी। और कुचालकों में बच्चों के जैसे हो जी की नित्य ज्ञान की भैया है, सोच लियो भाई 60 बनानी है ना, 2-4 को तो जुगाड़ करके इधर उधर से, और 2-4 का तो आओ ही अपन, है ना, बाकी प्रैक्टिकल अगर है तो फिर भी इन चाहे किए खेद मार लियो पीट लियो वैसे ही रहेगा, फिर वो उतने आएंगे उसके मार्क्स, है ना। तो एक तरह से ऐसे जो चालक पदार्थ हैं वो अलग बात होगी, कुचालक वाले अलग बात होगी, अर्धचालक वाले और इनका ताप का प्रभाव अलग बात होगी। तो अपन ने विद्युतीय पदार्थों की जो गुणधर्म है वो पढ़ लिया, इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप लिखो, ऐसे बनाओ, चालक, अर्धचालक और कुचालक, ऐसे सारणी बनाओ बस।